हेलो जी, तो कैसे हैं आप भाई? आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल बिरयानी की रेसिपी। लाइक आजकल ना इतनी वैरायटीज़ में बिरयानी चलती हैं, जैसे दम बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी और बहुत बहुत सारी बिरयानी, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल वाली है जो हम लोग बनाया करते थे। लेकिन आजकल लोग नहीं बनाते इस बिरयानी को, क्योंकि इतनी वैरायटीज चल गई हैं, इतना इतना कुछ चल गया है ना, तो सब भूल गए हैं। तो हम ना सिंपल बिरयानी बनाने वाले हैं बिल्कुल, जिसमें हमने यखनी तैयार करनी होती है, गोश उबालना होता है जिसमें हमें। और अगर आपको यखनी नहीं पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ यखनी का गोश की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने ना पहले प्याज को फ्राइड कर लेना है, उसमें से हमने हाफ प्याज निकाल लेनी है ऊपर से सर्व करने के लिए, और हाफ़ प्याज उसमें रहने देना है। फिर उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, सारे खड़े मसाले डाले, जैसे ब्लैक पेपर, काजमम, सिनमम और क्लोव, जो भी खड़े मसाले आप डालते हों जो आपको टेस्ट में अच्छे लगते हों वो डाल देने हैं। बारीक कटे हुए टमाटर, ग्रीन चिली, बस वो डाल के हमने पानी ऐड कर देना है। पानी हमने यखनी वाला लिया है और उतना लिया है जितना हमने सोक किए थे राइस, उससे डबल पानी लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया था, 1 स्पून डाला है मैंने मीनार का चाट मसाला। और बस हमने सोक किए हुए अपने राइस डाल दिए हैं अच्छे से धो के, और मैंने इसमें यखनी का गोश्त भी डाला था, वो मेरे से मिस्टेक हो गई, वीडियो मेरे से शूट नहीं हो पाई, तो बस वो डाल दिया मैंने। हाफ़ के जी राइस लिए थे, हाफ़ के जी गोश्त लिया था बीफ का। और बस हमारी बिरयानी हमने 50 मिनट तक रखनी है, जब इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ जाए। हमने इसमें डालना है फ्राइड अनियन जो हमने पहले फ्राइड कर ली थी, और बस फूड कलर डाल देना है। मैंने ये दही के पानी में डाला था कलर करके, उससे ना बहुत अच्छे चावल खिले खिले बनते हैं। और बस बिरयानी तैयार है, हम कर लेंगे बिरयानी को सर्व। और मैंने इसको हलीम के साथ सर्व किया था। हलीम की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो नीचे बताना डिस्क्रिप्शन में, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक